आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस एंड एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। मतलब पहले तो हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालो और फिर उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्ट करो। तो देखो, हीलियम न्यूक्लियस क्या है? हीलियम न्यूक्लियस में चार जो है अपने पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जब अलग अलग हैं और इनको जब एक साथ लेके आ गया, तो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी लगी है इस इनको कंबाइन करने की, उसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो ये हमें निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी हीलियम के लिए? पहले देखो, जो दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन का मास क्या है? तो दो प्रोटॉन का मास हो गया 2 × 100758, और दो न्यूट्रॉन का मास क्या है? 2 × 1.00897। ठीक है, तो ये इनिशियल जो सिस्टम है इसका टोटल मास हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये एएमयू में है, इसमें से हम फाइनली जो हीलियम बन गया है ये है हीलियम न्यूक्लियस, तो इसका मास हटाएंगे। तो हीलियम न्यूक्लियस का मास क्या है? 4.0028 AMU। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे, तो इतनी तो मास डिफेक्ट हो गई हमारी। और आइंस्टीन के मास एनर्जी कोरिलेशन से हमें पता है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। तो ये जो मास डिफेक्ट है ये क्रॉस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एनर्जी के बराबर होगी, जो कि हम E=mc² से निकाल सकते हैं (c²). ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। तो अब देखो, एक यूनिट तो अपने पास ये है कि 1 AMU इक्वल्स टू होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c². तो इसका यूज करके हम इसे सीधा सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी डिफरेंस, वो आता अपने पास 0.01701796 AMU, और इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी एनर्जी 16.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो अपने पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। बट अगर अपने को निकालना है एनर्जी जूल में तो क्या करना पड़ेगा? तो 16.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 10^6 में कन्वर्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और फिर इसको 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एनर्जी अपने पास जूल में आ गई। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ गई अपने पास 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।